मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लीवर की बीमारी के इलाज के दौरान मौत हो गई। 66 वर्षीय चौधरी एक बार जिला पार्षद और 3 बार विधायक रह चुके हैं। 14 साल तक अलवर जाट महासभा के अध्यक्ष भी रहे। गुरुवार दोपहर 3 बजे उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री राजे सहित अनेक राजनेता भी शामिल हुए। धर्मपाल चौधरी ने बांसुर के चतरपुरा वार्ड से जिला पार्षद का चुनाव जीतकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। 1998 में मुंडावर विधानसभा से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे। चुनाव में भाजपा से जीते डॉक्टर जसवंत यादव के साथ चौधरी उप विजेता थे। 2000 में जसवंत यादव के सांसद बन जाने पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने चौधरी को प्रत्याशी बनाया। उपचुनाव में जीतकर पहली बार विधायक बने चौधरी 2003 में फिर चुनाव जीतकर सरकार में संसदीय सचिव बनाए गए। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के मेजर ओपी यादव से हार जाने के बाद भी जनता से जुड़े रहने के चलते 2013 में रिकॉर्ड मतों से जीत कर तीसरी बार विधायक बने। विधायक चौधरी एक किसान जाट बहरोड निवासी सुल्तान चौधरी के घर जन्मे थे। जिला प्रमुख चुनावों के दौरान चौधरी को स्वाइन फ्लू हो जाने के बाद से लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद से ही वे बीमार रहने लगे। विधायक का वर्तमान में हैदराबाद से इलाज चलने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराया गया था, जिनका गुरुवार को निधन हो गया। विधायक का अंतिम संस्कार पैतृक गांव जाट बहरोड में 3 बजे किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री राजे भी विधायक चौधरी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जाट बहरोड गांव पहुंची। साथ ही मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, हेम सिंह भड़ाना, रोहिता शर्मा सहित अनेकों विधायकों ने वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मपाल चौधरी जी का आज आकस्मिक निधन हो गया। सुबह 3 बजे मैदानता में गुड़गांव में। धर्मपाल जी ने जीवन में हमेशा अच्छाई का साथ दिया, बुराई का विरोध किया, क्षेत्र के विकास में हमेशा रुचि ली और बुरा बनने की परवाह किए बिना जरूरतमंद की मदद करी, विकास भी किया। और वो कोई एक बिरादरी के, हालांकि जाट बिरादरी के, वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे थे और उन्होंने अलवर जिले में जाट महासभा के अध्यक्ष के रूप में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए और उनके समय पर जाट महासभा में कोई विवाद नहीं रहे। लेकिन वो केवल जाट समाज के ही नेता नहीं थे, वो पूरे क्षेत्र की जनता के लिए और अलवर जिले में भी सभी लोगों के लिए एक सर्वमान्य नेता के रूप में उन्होंने राजस्थान में अलवर जिले का, मुंडावर का, अपना, अपने समाज का नाम रोशन किया।